Assalamu alaikum dear students, hope you all are fine. This is a science class and we are reading lesson number 8, air and water. Today our topic is on page number 88 and it's about a wonderful gift of nature, that is water. तो बच्चों आज जो हमारा टॉपिक है वो है पेज नंबर 88 पे. तो क्या है हमारा आज का टॉपिक? वाटर, पानी, जो एक अनमोल तोहफा हमें कुदरत ने दिया है. तो आप सब बच्चे अपनी साइंस बुक्स खोलो, हम आज का टॉपिक शुरू करते हैं. तो क्या बच्चा है टॉपिक? वाटर, पानी. जिस तरह हवा है इसी तरह पानी जो है वो भी हमारी ज़िंदगी के लिए बहुत ही अहम है. हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है बहुत सारे चीज़ों के लिए, जैसे हम पानी का इस्तेमाल पीने के लिए करते हैं और बहुत सारी पर्पज़ जो है जो पानी हमें फुलफ़िल करता है. पानी जो है वो तीन फॉर्म्स में आता है, तीन सूरतों में आता है, जैसे कि आपने इसी लेसन में पढ़ा सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, यानी थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर. इन तीनों स्टेट्स में पानी एग्जिस्ट करता है. हमें पानी मिलता है डिफरेंट सोर्सेज से, डिफरेंट जरियों से, जैसे कि रिवर, दरिया, पॉन्ड्स, तालाब, लेक्स, झीलें, वेल्स, कुएं, और ये सब है सोर्सेज ऑफ वाटर. लेकिन इन सब में से जो सबसे मेन सोर्स है पानी का वो है रेन, बारिश. हाँ बच्चों, बारिश जो है वो पानी का मेन सोर्स है, यानी पानी हमें मिलता है किससे? बारिश से. वो भी सोर्सेज है पानी के, लेकिन वो स्मॉल सोर्सेज है. सबसे मेन जो बड़ा सोर्स है पानी का वो है बारिश, यानी रेन. पानी जो हमें अबव सोर्स जैसे हमने पढ़ा, अक्सर हम कंजप्शन के लिए यानी इस्तेमाल के लिए अनफिट होता है. यानी इन सारे सोर्सेज में जो पानी होता है, जैसे रिवर्स है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, इन सब का पानी हम इस्तेमाल के काबिल इस्तेमाल नहीं है. यह कौन चंद खतर इस्तेमाल करित, वारह चीज़ों खतर इस्तेमाल करित, सिर्फ चु रेन अक्सु मेन सोर्स यूजन इस हकान चे इस्तेमाल करित. क्यों हम इन सोर्सेज का पानी इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं? क्योंकि इनमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी सेहत के लिए मुज़िर है, उनको हम बोलते हैं इम्प्योरिटीज़. जैसे क्या क्या इम्प्योरिटी होती है इन पानी में? सैंड होता है, रेत जिसको हम बोलते हैं, डर्ट, गंदगी होती है, मड, मिट्टी होती है, और बहुत सारे जर्म्स, जरासीम. इसलिए इन सोर्सेज का पानी जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं है. किस वजह से? क्योंकि इनमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती है. इन सब्सटेंसों जैसे सैंड है, डर्ट है, इनको हम बोलते हैं इम्प्योरिटीज़. अब जो इम्प्योरिटीज़ पानी में है, दो तरह की इम्प्योरिटीज़ होती है बच्चों पानी में, समझा आपको? एक होता है सॉलिबल इम्प्योरिटीज़, दूसरा होता है इनसॉलिबल इम्प्योरिटीज़. अब सॉलिबल इम्प्योरिटी क्या है ये हम पढ़ेंगे. ये सॉलिबल इम्प्योरिटीज़, ये वो इम्प्योरिटीज़ है जो पानी में डिज़ोल्व हुई होती है, जो पानी में हल हुई होती है, गुली हुई, मतलब आपसी मज रलित आसन, तिमन इस वन सॉलिबल इम्प्योरिटीज़. जैसे कि साल्ट है पानी में, जैसे आप सी का पानी देखते हो उसमें क्या मिला होता है, डिज़ोल्व हुआ होता है उसमें साल्ट, नमक होता है. तो ये इम्प्योरिटी कौन सी इम्प्योरिटी है? सॉलिबल इम्प्योरिटीज़. यह कौन इस आब मज अलग तो कर तिकाजिश आबस मज हल गम डिज़ोल्व गम. दूसरी इम्प्योरिटी जो है बच्चों उसको हम बोलते हैं इनसॉलिबल इम्प्योरिटीज़. ये इम्प्योरिटीज़ क्या है? जैसे अभी मैंने आपको बताया, जैसे सैंड है वो पानी में नहीं डिज़ोल्व हो सकती है, हल हो सकती है, इसको हम बोलते हैं इनसॉलिबल इम्प्योरिटीज़. अगर इस सेख त्रो आबस मज सो गिज़ोल्व क्या अच्छे से वाला इनसॉलिबल इम्प्योरिटीज़. अब हम ये जो सॉलिबल इम्प्योरिटीज़ है वो तो पानी में डिज़ोल्व हुई होती है, उसको हम रिमूव नहीं करना है. लेकिन जो इनसॉलिबल इम्प्योरिटीज़ है इसको हमें पानी से अलग करना है, रिमूव करना है. अब क्या क्या मेथड्स है जिससे हम ये इनसॉलिबल इम्प्योरिटीज़ को पानी से अलग कर सकें? बहुत सारे प्रोसेस है जिसमें जिससे हम इन इनसॉलिबल इम्प्योरिटीज़ को पानी से अलग करें. जैसे कि मेन जो प्रोसेस है फिल्ट्रेशन एंड सेडमेंटेशन. इन दोनों प्रोसेस के बारे में हम इंशाल्लाह कल पढ़ेंगे. तो आज हम अपना टॉपिक यहीं पे ख़त्म करेंगे.
उम्मीद है आपको समझ आया होगा। इसमें जो भी अंडरलाइन वर्ड्स है उनकी आप बच्चों स्पेलिंग्स अच्छे से लर्न करना। ओके, लेट्स डू इट्स रीडिंग नाउ। वाटर, लाइक एयर, वाटर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। वी नीड वाटर फॉर मैनी पर्पजेस। वाटर एग्जिस्ट इन थ्री फॉर्म्स, दैट इज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। We get water from different sources such as rivers, ponds, lakes and wells. But rain is the main source of water. Water from the above source is often unfit for consumption. It is due to the presence of sand, dirt, mud and germs. These substances are called impurities. The impurities found in water are of two types: soluble impurities, insoluble impurities. Soluble impurities, these impurities like salt dissolve in water. Insoluble impurities, these impurities like sand do not dissolve in water. Removing impurities from water, there are various methods used to remove the insoluble and soluble impurities from water. Removal of insoluble impurities. Insoluble impurities are separated through the process of filtration and sedimentation. इसके अलावा आपकी इस पेज पे uses of water in daily life, हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में पानी का इस्तेमाल, पहले क्या है पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम, खाना पकाने के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं, नहाने के लिए पानी का इस्तेमाल होता है, कपड़े धोने के लिए इस्तेमाल होता है, हमें पौधों को पानी देना होता है, तो इन सब चीज़ों के लिए हम पानी का इस्तेमाल करते हैं। एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। ओके, अल्लाह हाफिज़।